हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए नॉर्मल फ्लाइटें कब से शुरू हो सकती हैं उन लोगों के लिए जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज इंडिया में लगवा चुके हैं और सऊदी अरब डायरेक्ट जाने का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट ट्रेवल करने की परमिशन कब से मिल सकती है। लेकिन उससे पहले एक और दूसरी जरूरी अपडेट है इंडिया जॉर्डन फ्लाइट को लेकर। तो जॉर्डन की तरफ से भी अच्छी खबर आ चुकी है। जॉर्डन ने ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन था, जो पाबंदी थी, जो यात्रा पाबंदी थी, उसको हटा लिया है। ये ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो भारतीय एम्बेसी जॉर्डन की तरफ से किया गया, जिसमें बताया गया है कि जॉर्डन ने इंडिया से ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन हटा लिया। इसके अलावा जो कोविड प्रोटोकॉल है, जैसे PCR टेस्ट, क्वारंटीन, इसको लेकर भी ढील दी गई है। अराइवल करने पर PCR टेस्ट नहीं होगा, इसके अलावा क्वारंटीन भी नहीं होगा। तो जॉर्डन के लिए भी बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे हमारे भाई इंतजार कर रहे थे कि जॉर्डन की तरफ से अच्छी खबर कब आएगी। तो अब जॉर्डन की तरफ से भी अच्छी खबर आ चुकी है। जॉर्डन ने ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन हटा लिया कि भारतीय एम्बेसी जो जॉर्डन में, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। तो जो भी जॉर्डन जाने का इंतजार कर रहे थे, तो उनका इंतजार भी अब खत्म हो चुका है। अगली अपडेट दोस्तों इंडिया फ्रांस फ्लाइट को लेकर है। तो विस्तारा एयरलाइंस ने दिल्ली से पेरिस के लिए अपनी फ्लाइट का ऐलान कर दिया है। 7 नवंबर से फ्लाइट ऑपरेट होगी। तो अगर आप दिल्ली से पेरिस के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं, फ्रांस के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं, तो आप विस्तारा एयरलाइंस के साथ में भी अब आप ट्रेवल कर सकते हैं 7 नवंबर से। जो रिटर्न टिकट की प्राइस रखी गई है वो 40,499 रखी गई है। अगर आप टूरिस्ट पर्पज से या और किसी पर्पज से फ्रांस के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से पेरिस के लिए, तो आप विस्तारा एयरलाइंस के साथ में भी अब आप ट्रेवल कर सकते हैं 7 नवंबर से। एक और दोस्तों जरूरी अपडेट है इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान। तो पिछले दिनों कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर और क्वारंटीन को लेकर इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान काफी गर्मा गर्मी हो गई थी, और भारत ने धमकी भरे लहजे में कहा था कि अगर कोविशील्ड को मान्यता नहीं देता है इंग्लैंड और इंडिया से जो भी लोग वैक्सीनेटेड होकर इंग्लैंड में ट्रेवल कर रहे हैं उनको अगर क्वारंटीन किया जाएगा तो इंडिया के पास भी अधिकार है उसी तरीके से पलटवार करने का। उसके बाद इंग्लैंड ने कोविशील्ड वैक्सीन को तो मान्यता दे दी, लेकिन वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर पेच फंसा दिया है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट को किस तरीके से वेरीफाई किया जाए, किस तरीके से उसका वेरिफिकेशन किया जाए। तो अभी भी दोस्तों मामला शांत नहीं हुआ है क्वारंटीन को लेकर और वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर। वैक्सीन का तो मसला खत्म हो गया, कोविशील्ड को तो मान्यता दे दी, लेकिन अब इंग्लैंड ने वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर पेच फंसा दिया है। बहरहाल दोस्तों अभी भी अगर आप इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं और इंग्लैंड के लिए ट्रेवल करते हैं तो 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा। अब देखना यह है कि यह मसला कब शांत होता है, इसका हल कब निकलता है। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर, जिसका इंतजार आप पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। तो सऊदी हुकूमत ने कोविड-19 की वजह से इंडिया से और भी कई सारे देशों से पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन पिछले महीने की 24 अगस्त को कुछ शर्तों के साथ में कुछ ढील दी गई है उन लोगों के लिए जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरब से ही लगवाकर इंडिया में छुट्टी पर आए हुए हैं। तो बहरहाल जो लोग इंडिया में वैक्सीन लगवा चुके हैं और सऊदी अरब डायरेक्ट जाने का इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इंतजार भी जल्द खत्म हो सकता है। अभी जो कुछ भी हालात हैं वो हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए नॉर्मल फ्लाइटें उन लोगों के लिए भी जल्द शुरू हो सकती हैं जो लोग इंडिया में वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, उनको भी जल्द ही ट्रेवल करने की परमिशन मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों सऊदी हुकूमत लगातार हालात को सामान्य करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए कोशिशें कर रही है। पिछले दिनों सऊदी हुकूमत की तरफ से टूरिस्ट वीजा को एक्सटेंड कर दिया गया है फ्री में। जो वीजा 24 मार्च 2021 से पहले इशू हुए थे और ट्रेवल बैन की वजह से वो एक्सपायर हो चुके थे, तो उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है फ्री में सऊदी हुकूमत की तरफ से। इसके साथ में एग्जिट रीएंट्री वीजा, यानी जो छुट्टी वाले थे, जो इकामा होल्डर थे, उनका इकामा और एग्जिट रीएंट्री वीजा को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है फ्री में 30 नवंबर तक। साथ में ही 23 सितंबर से सऊदी ने जो उनके यहाँ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होता है, जो अनवैक्सीनेटेड लोग ट्रेवल करते हैं सऊदी में, जहाँ पर बैन नहीं लगा हुआ, डायरेक्ट जो लोग ट्रेवल करते हैं, तो उनका जो 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन था उसको भी 5 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा अगर सऊदी में कोरोना की दोस्तों बात करें तो कोरोना के हालात बहुत ही सामान्य हो चुके हैं। लगातार 100 से नीचे के केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जो नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं वो मात्र 57 हैं। इसके साथ में अगर दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया भी कुछ दिनों के बाद टूरिस्ट वीजा इशू करने जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने में, यानी अक्टूबर में, इंडिया ने जो
और नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइटों पर पाबंदी लगाई हुई है वो पाबंदी भी हट सकती है। तो आने वाला जो अक्टूबर महीना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है इंडिया से सऊदी अरब नॉर्मल फ्लाइट को लेकर उन लोगों के लिए जो लोग इंडिया में वैक्सीनेटेड हैं। तो बहरहाल दोस्तों आने वाला अक्टूबर महीना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हम सब दोस्तों इंतजार करते हैं कि सऊदी हुकूमत क्या फैसला लेती है, क्योंकि पिछले दिनों सऊदी अरब के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे जहाँ उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई है। फ्लाइट को लेकर दोनों देशों के दरमियान बातचीत हुई है, दोनों देश रजामंद भी हैं यात्रा को लेकर। इसके अलावा जो कोविड संबंधी चुनौतियां उसको लेकर दोनों देश आपस में सहमत हैं सहयोग के लिए। तो हम दोस्तों इंतजार करते हैं, थोड़ा अक्टूबर महीने का इंतजार करते हैं, फर्स्ट वीक का इंतजार करते हैं और इस दरमियान कुछ ना कुछ अच्छी खबर आने की उम्मीद है। बहरहाल दोस्तों आगे इस पर आगे कोई अपडेट होगी तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।